प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एनसीईआरटी से हाइपरबोला की एक्सरसाइज। तो हाइपरबोला की एनसीईआरटी से जो एक्सरसाइज है वो 11.4 है, जिसका अभी हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके यदि लग पता है कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स पहले से आते हैं, तो आप हमको लेक्चर के बीच में बताते चले जाइएगा और हम जल्दी जल्दी सॉल्व भी करते चले जाएंगे। और यदि आपको नहीं आता है तो आप उसमें देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि अभी हम लोग एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, और डिस्कशन है हाइपरबोला का। और हाइपरबोला में, जैसा कि आप जानते हैं, कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसमें, और बच्चों के क्वेश्चन उसमें एग्जाम में गलत भी हो जाते हैं। तो आपको इस लेक्चर पे स्पेशली ध्यान देना होगा। ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जो बच्चे जेई की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से हाइपरबोला के दौर से गुजरना पड़ता है। तो ये हाइपरबोला का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपके साथ अब स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये बच्चों, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है, और स्क्रीन शेयर करने के बाद अब मैं आपके साथ अपनी आईपैड की स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। तो बच्चों, मैंने ये स्क्रीन आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर दी है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा जो इतनी बातें मैं बता रहा हूँ। बच्चों, पहली बात आप ये समझिए कि ये आपकी हाइपरबोला की एक्सरसाइज है। इसमें बिगिनिंग के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो सबसे पहले आपको जो कवर करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 7 को कवर कराता हूँ। और यदि आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया होगा तो आप मेरे को बताएंगे कि आपने किस तरह से किया है। और ये बच्चों हाइपरबोला के जो नोट्स हैं, ये पहले के नोट्स हैं, थ्योरी नोट्स। तो बच्चों ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे वर्टेक्स क्या दिया है, +-2, 0। तो बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो मैंने आपको आदत भी बनवा रखी है कि भाई आप एक हाइपरबोला बना ही लिया करो। तो हाइपरबोला का ये डायग्राम होता है, ये बेसिक हाइपरबोला है बच्चों। तो अगर इसमें वर्टिसेस दिया है, तो वर्टिसेस का मतलब ये होता है कि ट्रांसवर्स एक्सेस इसको कहते हैं, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स बच्चों ये आपके पास दिया है 2, 0, और ये पॉइंट आपके पास दिया है -2, 0। बेसिकली आप इसको कंपेयर करते हैं वर्टिसेस को +-1, 0 से। तो आपको समझ में आएगा कि भाई ए की वैल्यू क्या है, 2 है। इसके अलावा बच्चों यहां पर आपकी फोकस होती है, +3, 0 यहां पर होगा, तो -3, 0 यहां पर होगा। ये बच्चों दो फोकस होती हैं। और बच्चों फोकस के कोऑर्डिनेट को हम लोग कंपेयर करते हैं AE, 0 से, +-AE, 0 से। तो अगर आपने किया होगा तो आप हमको बताएंगे कि यहां पर AE की वैल्यू जो है वो 3 है। अब बच्चों आप हमको ये सोच के बताइए कि हम यहाँ पर सबसे पहले बी कैसे निकालेंगे। B² = A² ((E²-1)। हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम यूज करेंगे रिलेशन B² = A²(E²-1), तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बिल्कुल सही बताया आपने। तो बच्चों B² क्या होगा, A², और बच्चों A की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। E² 3/2, यानी कि 9/4 -1। तो बच्चों यहाँ से B² की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स। 9 - 4 कितना होता है, 5/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स B² आपका 5 आ गया। तो बच्चों B² 5 आ गया। तो आप फाइनली हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए, विच इज X² / A² - Y² / B² = 1। तो बच्चों ये सिंपल हाइपरबोला है। A² की वैल्यू हो गई बच्चों 4, और B² की वैल्यू बच्चों हो गई 5 = 1। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बच्चों इस अभी आपने हिंट दे करके इतना बता दिया कि भाई आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर आते हैं तो बच्चों 8th क्वेश्चन में भी आपको सफलतापूर्वक जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 8th क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो ये काफी सारे बच्चे भी गलत करके आए थे, और क्वेश्चन आया भी कहाँ सा, एनसीईआरटी से आया था। चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए B=5। प्यारे बच्चों, कभी भी आपके पास हाइपरबोला है तो सबसे पहले आप डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करिए। तो बच्चों ये वर्टिसेस इसके 0, इस तरह से दिए हैं, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, क्योंकि इसके वर्टिसेस यहां पर आ गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास होते हैं 0, B, और यहाँ पे होते हैं 0, -B।
तो बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 0 प्लस माइनस b से कंपेयर करेंगे और b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब बच्चों यहां पर आपके फोकाई होते हैं, यहां पे फोकस हो जाएगी 0.8 और ये हो जाएगा 0.-8। और बच्चों फोकस को हम लोग कंपेयर करते हैं 0.±BE से। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपके काफी सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे गलत भी हो जाए, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं बी की वैल्यू को प्लेस करूंगा और ई की वैल्यू निकाल दूंगा, विच इज 8/5। तो बच्चों यहाँ पे ई की वैल्यू निकल करके आ गई है 8/5। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। जब आप ई की वैल्यू निकालें तो उस पर भी ध्यान दें कि वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 8/5 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये सही है। अब बच्चों बताएंगे कि हम ए की वैल्यू कैसे ए निकालें। स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस वन। बिल्कुल, इस बच्चे ने कॉन्जुगेट हाइपरबोला को देखते ही सही बताया कि भाई अब वैसे नॉर्मल हाइपरबोला में होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कॉन्जुगेट है, उसमें पलट गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों ए स्क्वायर आपको निकालना है और बी स्क्वायर आपको दिख रहा है कि बी स्क्वायर कितना है 25, ई स्क्वायर कितना है 64/25-1। तो ये बच्चों हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स 64 माइनस 25/25। तो बच्चों यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आप बताएंगे, 14 माइनस 5 कितना होता है 9 होता है, 6 माइनस 2 कितना होता है 4 होता है, एक कैरी थी तो 3 हो गया। तो बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39। बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है कि वो 25 है। तो बताइए अब हम इक्वेशन क्या लिखें, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की 39। वैल्यू कितनी होगी 25, एक्स स्क्वायर की ए स्क्वायर की वैल्यू 39 इज इक्वल टू। इससे देख करके आपको पूर्णता भरोसा हो गया होगा कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होने वाले हैं। चलिए भाई बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों जिस तरह से आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं इसी तरह से आपको अपनी एनसीईआरटी में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, उसमें भी आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन जरूर आपको लगाने हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन से ही एग्जाम में भी आ जाता है। तो थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद पहले 10 क्वेश्चन जरूर लगाइए एनसीईआरटी से भी, क्योंकि वो आपके बड़े कामयाबी के दौर से गुजरते हैं। चलिए भाई, तो अगले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों यदि कोई भी क्वेश्चन के जवाब पे आपको संदेह हो तो बेटा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो हर जगह गूगल में अवेलेबल है, तो वहां से भी आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए भाई, तो वर्टिसेस, तो वर्टिसेस में क्या हो गया, बी वर्टिसेस हो इक्वल्स टू गया थ्री बच्चों ये तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जैसा लग रहा है, तो अब बी हम इसमें डायग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि अभी हमने 7वां किया 8वां किया, तो उसको हम बिना डायग्राम बनाए करते हैं। तो बच्चों ये कितना हो गया 0.±b, और ये हो गया बच्चों 0.±BE। तो बच्चों B की वैल्यू हो गई 3 और BE की वैल्यू हो गई 5। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 5/3, और 5/3 बच्चों 1 से बड़ा है, दैट मीन्स हमारा ये 100% क्या है, हाइपरबोला है, क्योंकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो बच्चों जल्दी से हमको बता दीजिए कि यहां पर हम ए कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर ए इक्वल्स स्क्वायर टू इज बी इक्वल टू स्क्वायर बी इन स्क्वायर ब्रैकेट ई ई स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस वन। वन। तो बच्चों बी स्क्वायर आपका हो गया 9, ई स्क्वायर हो गया 25/9-1, तो दिस इज 9 टाइम्स 25 माइनस 9 बच्चों कितना सिक्सटीन होता है 16/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो ये बचा 16, दैट मीन्स बच्चों ए की वैल्यू हो गई 4। बच्चों कॉन्जुगेट हाइपरबोला की क्वेश्चन है, तो उसको हम वाई लिखते हैं स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ए इक्वल्स टू स्क्वायर वन। इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, 1 मिनट सर, 25, बी और स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बिल्कुल नहीं है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो स्क्वायर एटीन कितना है 16 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सफलतापूर्वक हो गया है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा चालू करते हैं। आ गए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये तो कॉपी नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन ट्राई करते हैं कॉपी हो जाइए, हो गया कॉपी, काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ कॉपी हो गए तो क्रॉप कर लेंगे।
तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है इसमें। इसमें बच्चों लिखा है ट्रांसफर एक्सेस ऑफ लेंथ 8। तो बच्चों ट्रांसफर देख लेते हैं, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन फोकाई इसकी है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। इसका मतलब फोकस को देख करके हमें ये आइडिया हो गया है कि ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस रही है, ठीक है ना। क्यों भाई? तो इसमें ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ जो है 8 यूनिट्स के बराबर है, तो दैट मीन्स जो 2A है वो आपका 8 हो गया, दैट मीन्स ए आपका 4 हो गया। क्योंकि बच्चों ये 2A कैसे हुआ, क्योंकि ये पॉइंट होता है ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट होता है माइनस ए कॉमा जीरो, इनके बीच की लेंथ बच्चों 2A होती है, इसी को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और बच्चों जो ए ई की वैल्यू है वो आपके पास 5 दी है, इसेंट्रिसिटी याद क्वेश्चन दीजिए, टाइप ध्यान है दीजिएगा ना। बच्चों कि इस वैल्यू को काफी सारी बुक्स में सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग लिख देते हैं सी कॉमा जीरो, माइनस सी कॉमा जीरो, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा सी की वैल्यू भी क्या होती है, ए ई होती है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, तो यहां पर ई की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। क्या 1 से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है, तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1/2। तो बच्चों ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर, 16, ई स्क्वायर 25 फाइव बाई सिक्सटीन बाई 16 माइनस 1, तो बच्चों कितना आया, नाइन 16 टाइम्स 9/16। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 9 आ नाइन गई, ठीक है। बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि वो 9 है, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो बेटा पैराबोला की क्वेश्चन बताइए, एक्स स्क्वायर बिल्कुल अपॉन गलत, पैराबोला नहीं है ये, हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए अपॉन स्क्वायर 16 माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये बच्चों क्वेश्चन निकल करके आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया है, तो पहले बच्चों वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपसे नहीं हुआ था। बताइए कौन सा क्वेश्चन, 15 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन बच्चों आपका कहना है कि आपसे हुआ नहीं, तो पहले हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। तो जो लोग 15th क्वेश्चन के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों जब आप 15th क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको फोकाई देख करके ये आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आपका जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरह से बना रहा होगा, ठीक। इसका मतलब बच्चों ये पॉइंट क्या है, 0.√10, और ये पॉइंट क्या है, 0.-√10। तो इसका मतलब बच्चों ये 0, ±BE के बराबर है, और BE आपका कितना है, √10, ये आपको बच्चों दिया गया है। इसके अलावा बच्चों ये पास किससे कर रहा है, 2,3 से। तो तुम कहोगे सर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो किससे पास कर रहा है, 2,3 से। तो वाई की जगह 3 डालो तो 9 आ जाएगा, एक्स की जगह 2 डालो तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि किससे पास कर रहा है, 2,3 से। तो 2,3 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों आपको देखना है कि भाई हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि जो ए स्क्वायर होता है वो होता है बी स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, यही तो होता है। यस तो बच्चों यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 है, क्योंकि अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो बच्चों ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन, इन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे आपके पास ए और बी आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में ए और बी की वैल्यू पुट करके आप उस हाइपरबोला की, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको सॉल्विंग नहीं आती है तो फिर तो आप नहीं निकाल सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, 9/20 माइनस 4/A², बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू 10 - B² इज इक्वल टू 1। तो बच्चों सॉल्विंग का मतलब अगर आपको एलसीएम वगैरह सब लेने नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
ये बच्चों अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है, बताइए कितना आएगा। तो बच्चों उधर ही ले जाते हैं सीधा सीधा हम। चलिए भाई, तो ये बच्चों हो गया। सारे टर्म एक तरफ ही ले आते हैं बच्चे, तो उधर का जो 10b² है वो उधर ले आओ, माइनस का 10b² प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया बच्चों, 90 माइनस 13 और 10 कितना हुआ, 23। तेईस। बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बी स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 90 इज इक्वल टू 0। बच्चों 90 कैसे फैक्टर करने हैं कि 23 आ जाए, बताइए क्या होंगे। फैक्टर करने नहीं आते होंगे तो फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे। तो सोच के बताइए कि भाई हम 90 को कैसे प्राप्त करें, बताइए। तो बच्चों अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते होंगे तो फिर आपको धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और धराचार्य फॉर्मूला लगाकर यहाँ से आप फिर टी की वैल्यू निकालेंगे, और अगर टी आएगा तो आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर टी की दो वैल्यूज आए, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो टी की वैल्यू नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव ही लीजिएगा, क्योंकि टी क्या है, किसी का स्क्वायर है, और किसी का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चों आप, हमें लग रहा है इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों मैंने करने का प्रोसेस बता दिया, लेकिन अगर आपको सॉल्विंग नहीं आती है तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो आप सॉल्विंग को प्रॉपर करिए और फिर कंफर्म करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चों, वो उसके पहले का है। बताइए कैसे करेंगे। तो बच्चों ए की वैल्यू हो गई 7, ई की वैल्यू है 4/3। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इन ब्रैकेट 16/9 माइनस 1। तो क्या है बच्चों, बी स्क्वायर 49 × 7/9, ये आ गया बच्चों आपका बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर आ गया तो बच्चों ए स्क्वायर तो पता ही है, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 49 × 7/9 इज इक्वल टू, ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। सिंप्लीफाई बच्चों आप ही को करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे भी एग्जाम में छोड़ सकते हैं। चलिए भाई, इसके बाद बच्चों हमें लगता है कि इसमें सारे ही क्वेश्चन लगभग एक जैसे लग रहे हैं, तो आप इनको करने में कामयाब तो हो ही जाएंगे। तो आप इनको अपने आप से ट्राई करिएगा, और फिर क्वेश्चंस ना आए तो हमसे पूछेगा, लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ पे क्लास हम लोग इसको ओपन करते हैं।